नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने की राह पर है। आईएमएफ ने एक बार फिर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में हो रहे रिफॉर्म्स का फायदा अब दिख रहा है। आईएमएफ के भारतीय मिशन चीफ रानिल सालगादो ने 2.6 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसा हाथी बताया जिसने दौड़ना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत पाकिस्तानी सैनिक रूसी सैन्य प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हासिल कर पाएंगे। इस कदम का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाना है। पाकिस्तान और अमेरिकी रिश्तों में खटास के बीच ये समझौता हुआ है। अमेरिका और चीन के मध्य व्यापार मोर्चे पर जारी तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाने की घोषणा की। अमेरिका चीन से आयातित 16 अरब डॉलर की 279 वस्तुओं पर 25% का शुल्क लगाएगा और अमेरिका की ओर से शुल्क लगाने का यह दूसरा चरण है। यह शुल्क 23 अगस्त से लागू होगा। उत्तरी यूरोप के एस्टोनिया में एक लड़ाकू विमान से अचानक मिसाइल लॉन्च हो गई जिससे सेना में हड़कंप मच गया। ये लड़ाकू विमान स्पेनिश था जो प्रैक्टिस कर रहा था। एस्टोनिया की सेना ने बताया कि स्पेनिश फाइटर प्लेन जब अभ्यास कर रहा था उसी वक्त बाल्टिक के हवाई क्षेत्र में अचानक इससे मिसाइल लॉन्च हो गए। हालांकि इस हादसे से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत के अयोध्या में राम मंदिर बनने का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से सिर्फ इंतजार कर रहा है। वही थाईलैंड के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इस मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट करा रहा है। बुधवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट द्वारा भूमि पूजन और पूरे धार्मिक अनुष्ठान के बाद राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बुधवार को दावा किया कि महात्मा गांधी चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के शीर्ष पद पर बैठे, लेकिन पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने आत्मकेंद्रित रवैया अपनाया था। पणजी से 40 किलोमीटर दूर गोवा प्रबंध संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने दावा किया कि अगर महात्मा गांधी के जिन्ना को पहला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा को अमल में लाया गया होता तो भारत का बंटवारा नहीं होता। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 4 जवानों की शहादत के बाद बारामूला जिले में सुरक्षा बलों का आतंकियों से सामना हुआ। सेना ने अपने जवानों की शहादत का बदला लेते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान एक पैरा कमांडो के घायल होने की भी खबर है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली इस महीने के 3rd सप्ताह में वित्त मंत्रालय पहुंचकर अपना कामकाज संभाल सकते हैं। उनका 14 मई को किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, तब से वे डॉक्टरों की सलाह पर आराम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जेटली के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है और वे जल्द ही वित्त मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। फिलहाल उनके स्थान पर रेल और कोयला मंत्री पीयूष गोयल वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए आज मतदान हुआ। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश सिंह को इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। हरिवंश सिंह जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने विपक्ष की ओर से कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को मात दी। हरिवंश के पक्ष में कुल 125 वोट पड़े तो वहीं बीके हरिप्रसाद के पक्ष में कुल 105 वोट पड़े। आज सावन मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि हो, इस मौके पर देशभर के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए उत्साहित है। माना जाता है कि यह दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन होता है। इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आस्था के साथ देशभक्त के शिव मंदिरों और शिवालयों में भक्त घंटों लाइन में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन माह की शिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ के गांव राठीवास के मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया और इस दौरान शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। सीएम खट्टर ने पूरी विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच भगवान भोलेनाथ और शिवलिंग का जलाभिषेक किया। बता दें कि सीएम खट्टर यहां शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा के न्यौते पर पहुंचे। मंदिर में जलाभिषेक के दौरान दीदी साध्वी तुम्भरा, विधानसभा डिप्टी स्पीकर संतोष यादव और विधायक ओम प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। इस वाले के मुद्दे को लेकर आज इनेलो दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान इनेलो के हजारों कार्यकर्ताओं के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। साथ ही इस विरोध प्रदर्शन में इनेलो लीगल सेल के सदस्य भी शामिल होंगे।
सांसद राजकुमार सैनी ने रोहतक पहुंचकर झगड़े में घायल हुए कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। इस दौरान सांसद सैनी ने कहा कि मंत्री ने कार्यकर्ता को पिटवाने के लिए बुलाया था। सांसद सैनी ने इस घटना का विरोध करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। सैनी ने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का सीधा हाथ था और इसके साथ ही यशपाल मलिक पर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा कि यशपाल को और चंदे की जरूरत पड़ गई, इसलिए वो जाम लगाने और आंदोलन की बात कर रहे हैं। सोनीपत में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन की भाईचारा का और यात्रा को पुलिस द्वारा रोकने और धक्का मुक्की करने के विरोध में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए और इस कड़ी में फरीदाबाद की बीके चौक पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर सीएम का पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मवीर भड़ाना ने कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार गाय गंगा और गायत्री की बात करती है तो वहीं सोनीपत में उसने नवीन जैन की भाईचारा कांवड़ यात्रा में रुकावट पैदा की और दुर्व्यवहार किया, इससे बीजेपी का हिंदू विरोध चेहरा सामने आया है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बुधवार को चंडीगढ़ में ऑनलाइन ग्रांट इन एंड रिलीज पोर्टल को लॉन्च किया और इस पोर्टल के माध्यम से सभी विभाग ऑनलाइन डिमांड करेंगे और इसी के माध्यम से उन्हें फंड ट्रांसफर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने पिछले बजट सत्र में ऐसा सिस्टम बनाए जाने की घोषणा की थी। देश में से ये इस पर पहला सिस्टम है और इस सिस्टम से महकमों के खर्च पर नजर रखने में भी आसानी होगी। वहीं ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग और एनालिसिस सिस्टम की भी शुरुआत की गई और सिस्टम के जरिए हेल्थ विभाग को 82 करोड़ ट्रांसफर किया गया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इस मौके पर कहा कि सरकार के सभी महकमों का लेन देन अब इस ऐप के जरिए ही होगा और इस ऐप से सिस्टम पूरी तरह से पेपरलेस हो गया है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा। सत्र को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विधानसभा स्पीकर कंवर पाल ने बताया कि सत्र 17 से 21 अगस्त तक चलेगा। ऐसा शेड्यूल अभी सरकार की तरफ से आया है। सत्र की अवधि इतनी ही होगी या बढ़ेगी यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पर निर्भर करेगा। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला के विधानसभा में ढोलकी लाने की घोषणा पर स्पीकर ने कहा कि इस बात की मंजूरी किसी को नहीं है और वह सदन में ढोलकी लाए। सदन में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को बोलने का ज्यादा समय दिया है। देश में आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। बुधवार को भिवानी पहुंची सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था और सरसों घोटाले को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। किरण ने कहा कि अब लोगों को बीजेपी सरकार का एक एक दिन भारी लग रहा है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके राज में किसी भी कार्यालय में बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में बैकडोर से भर्तियां की जा रही हैं और योगी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार जोगा सिंह ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की जवानी ड्रग्स की भेंट चढ़ाने के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल हरियाणा के जवान रगों में ड्रग्स का जहर घोलने की सोच रहे हैं। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ। बहादुरगढ़ बादली बाईपास पर ओवरलोड वाहनों से की जा रही अवैध वसूली की खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और वसूली करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया। बता दें कि बहादुरगढ़ बादली बाईपास पर ओवरलोड वाहनों से की जा रही अवैध वसूली का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता दी और संबंधित निकाय के अधिकारियों से जानकारी भी ली। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए और कई दुकानदारों को लाइसेंस लेने के निर्देश दिए। विभाग की कार्रवाई के बाद दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह पुनिया के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी करते हुए उन दुकानदारों को लाइसेंस देने के लिए निर्देश दिए जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। उधर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुनिया का कहना है कि यह छापेमारी किसी विशेष दुकानदार को तंग करने या शिकायत के आधार पर नहीं की गई बल्कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए रूटीन की चेकिंग है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक की बहुत स्वागत है आप सभी का। हरियाणा की खट्टर सरकार में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। बुधवार को रोहतक में एक सब इंस्पेक्टर और महिला की गोली मारकर हत्या का मामला अभी शांति भी नहीं हुआ। वहीं देर रात नारायणगढ़ सीआईए स्टाफ में तैनात एक और पुलिस कर्मचारी को गोलियों से भून दिया गया।
बुरहाना में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान गांव के युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीण पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। मामले को लेकर पुनहाना की अनाज मंडी में एक पंचायत हुई, जिसमें पूर्व मंत्री आफताब अहमद, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद, पूर्व मंत्री मोहम्मद समेत तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। पंचायत में फैसला लिया गया कि युवक की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मी पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। गांव वालों ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्राइवेट स्कूलों पर गलत कार्रवाई करने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष और भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के राज्य प्रधान राम अवतार शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने एक स्वयंभू संस्था के साथ मिलकर उनके 8 स्कूलों को सील किया था, जिसमें से 5 स्कूलों की सील खोल दी गई है, जबकि न्यायालय के ऐसे कोई आदेश नहीं थे। राम अवतार शर्मा ने कहा कि सरकार ने भी न्यायालय को कहा कि वे 2018 तक के किसी भी स्कूल को बंद नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने अब ऐसे गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को दी है। उन्होंने इस मामले में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। रूरल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाबरी मोड़ से पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 5 महीनों से पुलिस से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फतेहाबाद के बड़ोपल गांव के समीप रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार ने असंतुलित होकर थ्री व्हीलर को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया गया। सेंसेक्स ने बाजार खुलते ही रिकॉर्ड की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। सेंसेक्स पहली बार 38,000 को पार करने में कामयाब हुआ, जबकि निफ्टी ने 11,495.2 का नया रिकॉर्ड बनाया है। सेंसेक्स ने 38,050.12 का नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर बनाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की। बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज डाला है। इसमें चेतावनी दी गई कि बैंक के नाम पर एक फर्जी एसएमएस के जरिए बैंक अकाउंट हैक किया जा रहा है। एसबीआई की यह चेतावनी उस वक्त सामने आई जब हाल ही में आरबीआई के नाम पर लोगों से फ्रॉड करने वाले गिरोह को पकड़ा गया था। बर्मिंघम में पहले टेस्ट मैच में 31 रनों से मिली हार के बाद आज टीम इंडिया लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड को मात देने के मकसद से उतरी। हालांकि भारत को निराशा मिलने के बावजूद पहला मैच काफी रोचक रहा था। लॉर्ड्स के मैदान में टीम इंडिया अपने प्रदर्शन के दम पर जीत की राह पर लौटने की कोशिश में होगी। पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के अलावा कोई भी खिलाड़ी टिककर नहीं खेल पाया था। इसलिए दूसरे टेस्ट में अपनी जीत निश्चित करने के लिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों को पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरना होगा, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि लॉर्ड्स के मैदान में पिच को देखते हुए भारतीय बल्लेबाजों के क्रम में फेरबदल किया जा सकता है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपने पति के साथ लंदन की सैर कर रही है। दरअसल इंडियन क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है, और इस दौरे पर कैप्टन विराट कोहली अपनी प्रांतीय पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ, ऐसे में ये कपल इंग्लैंड में काफी एंजॉय करता दिख रहा है। वहीं बीसीसीआई ने एक ऐसी तस्वीर साझा की, जिसके चलते सोशल मीडिया पर बीसीसीआई और अनुष्का शर्मा जमकर ट्रोल हो रहे हैं। इंग्लैंड पहुंची भारतीय टीम, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग भी पहुंची, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा शेयर फोटो में पूरी टीम इंडिया एक साथ नजर आ रही है, और सबसे आगे की लाइन में कप्तान विराट कोहली के साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा खड़ी नजर आ रही है। और ऐसे में कई यूजर्स ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इंडियन क्रिकेट टीम के उप कप्तान यानी अजिंक्य रहाणे फोटो में सबसे आखिरी लाइन में पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। एडवर्सटेन टेस्ट में भले ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक जमाया, लेकिन वो तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के आगे संघर्ष करते दिखे। गुरुवार से शुरू हो रहे लॉर्ड्स टेस्ट के लिए विराट कोहली ने एंडरसन से निपटने की जमकर बैटिंग प्रैक्टिस की, और जहां वो नेट्स पर सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का सामना करते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T10 लीग के दूसरे सेशन को मंजूरी दे दी है, जिसका आयोजन 23 नवंबर से शारजाह में किया जाएगा। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था से मंजूरी मिलना लीग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें इस बार 2 नई टीमें जोड़ी गई हैं और ये 8 टीमों के बीच खेला जाएगा।
स्पेन की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन का कहना है कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु को अपनी घबराहट पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सिंधु को विश्व चैंपियनशिप के फाइनल मैच में रविवार को मारिन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड स्टार सलमान खान केवल फिल्मों में ही नहीं रियल लाइफ में भी हीरो हैं। अपनी दरियादिली के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सलमान की वजह से आज उनकी वो स्टार एकदम फिट हो चुकी हैं। पूजा टीबी की बीमारी से जूझ रही थी, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जरूरतों के आगे मजबूर होकर पूजा ने सलमान से मदद मांगी। दबंग खान ने आगे बढ़कर उनकी मदद की और इलाज का खर्च उठाया। करण जौहर ने अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है और इस फिल्म का नाम तक फाइल किया गया है, फाइनल किया गया और फिल्म के नाम की ही तरह फिल्म की स्टार कास्ट भी बेहद खास है। फिल्मों में आपको रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और एक साथ नजर आने वाले हैं। अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आगामी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में अभिनेता धर्मेंद्र के साथ अतिथि भूमिका निभाई है और इसके साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र को अपना सबसे प्यारा दोस्त बताया। शत्रुघ्न ने कहा कि सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, हेमा मालिनी भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं और धर्मेंद्र दोनों वर्षों से मेरे दोस्त रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने काम से ज्यादा निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। पहले खबर आई कि प्रियंका ने सलमान खान के साथ फिल्म भारत से बाहर हो गई और उसके बाद अब खबर आ रही है कि प्रियंका चोपड़ा ने संजय लीला भंसाली की फिल्म को भी ना कह दिया है। अक्षय कुमार और मौनी रॉय स्टारर फिल्म गोल्ड का एक और गाना रिलीज किया गया और इस गाने के बोल है मोनोबीना। गाने में अक्षय कुमार और मौनी के बीच ही नोकझोंक और प्यार को शानदार तरीके से दर्शाया गया है। गाने को यासर देसाई, मोनाली ठाकुर, शाशा तिरुपति और फरहाद भिवंडीवाला ने गाया और गाना काफी एनर्जेटिक है। आमिर खान के लिए एक अच्छी खबर आ रही है जिसके बाद वो अब अपने सपनों का घर बनवा सकेंगे। पिछले कुछ दिनों से आमिर खान का बीएमसी से विवाद चल रहा था जिसके चलते उनके घर का कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, लेकिन अब बीएमसी से क्लियरेंस मिलने के बाद लगता है आमिर जल्द ही अपने सपनों का आशियाना बना सकेंगे। सालों तक बॉलीवुड फिल्मों के सबसे उम्दा विलेन के रूप में मशहूर रहे अमरीश पुरी के पोते अब स्क्रीन पर दस्तक देने जा रहे हैं। अमरीश पुरी के एक बेटे और एक बेटी है। बेटे राजीव पुरी भले ही फिल्मों में नहीं आए लेकिन उनका पोता फिल्मों में आने की तैयारी 5 साल की उम्र से कर रहा है और वो अब बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे ट्रेंड वायरल होते रहते हैं जो कई बार मजेदार तो कई बार खतरनाक होते हैं। आजकल ऐसा ही एक चैलेंज वायरल हो रहा है जिसका नाम है किकी डांस चैलेंज। कनाडा के संगीतकार ड्रेक के इंटरनेट पर जारी डांस चैलेंज ने अब देश के मेट्रो शहरों में भी देखा जा रहा है। दिल्ली मुंबई जैसे कई बड़े शहरों में युवा इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।